आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो हम भी एकदम वेल एंड गुड है। सो गाइज, आज है हल्दी। कल की तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, बट आज हल्दी की पक्का वीडियो बनाऊंगी। और अभी वहाँ पे बन गया है नाश्ता, तो फटाफट से लेके आ जाते हैं क्योंकि काम वाम हमारा हो गया है सारा। वैसे टाइम कितना हो रहा है, 9:30 हो गया है, तो नाश्ते का भी टाइम हो गया। अब फटाफट से पहले चलती हूँ नाश्ता लेने के लिए, देखते क्या क्या बना हुआ है। सो गाइज, नाश्ते में बनी है पूरी और आलू का झोल। अक्षु को भी मैं जबरदस्ती लेके आ गई, वैसे वो आता नहीं है साथ। चम्मच खाने खाने ये लो, पता नहीं पूरी खाएगा कि नहीं खाएगा, ये लो। हाँ, चम्मच में रखेंगे फिर खाएंगे। और सब यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं, इसे देखो, यहीं पे था रात का सब। तो गाइस, मैंने अक्षु को यहाँ पे रेडी कर दिया है। और इसके नीचे पहले मैं जीन्स पहना रही थी, फिर अभी मैंने इसके नीचे पहना दिया है वाइट पजामी, जो कि अभी अक्षु पे आ रही है। देखो आगे दादी दादी, अरे Thank you.
गाइस अभी हो गए हैं हल्दी हाथ वगैरह भी। आज सबसे लेट गए हैं हम, पड़ोसी होके सबसे लेट गए हैं हम, क्योंकि नहाने धोने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि हमारे अभी जो गेस्ट रुके हुए हैं ना, तो कभी वो जा रहे हैं, कभी कोई जा रहा, कभी कोई जा रहा बस। और अभी खाएंगे हम खाना, पहले मैं नथ निकाल देती हूँ क्योंकि इसमें ना थोड़ा वो हो रहा है, खाया नहीं जाएगा यार ढंग से। और हमने बहुत सारी फोटो सेशन किया है हमने। तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और अक्षु ना बहुत मुश्किल से मेरे पास आए ना, पापा से हट ही नहीं रहा, उसकी तरह चिपक गया ये तो अक्षु को। और साथ में अनार लेके आए। कहाँ जा रहे हो? अन्ना है, अन्ना खाना खाने जा रहे हैं हम अभी खाना। तो फटाफट से चलते हैं, ऐसे भूख भी लग गई है। और ये देखो राय वाले की फटन ना सबसे पहले खाना खा रही है। भागो जाओ, अक्षु ने दादी देखी और भाग गया यहाँ से। जाओ अक्षु, भागो जल्दी, दादी भागो भागो भागो। सभी देखते हैं खाने में क्या क्या है गाइस। असल में जहाँ भी देखो ना सब राय वाला के लोग दिख रहे हैं मुझे, उनके मेहमान कहीं नहीं देख रहे, एक टोली वहाँ पे बैठी है वो भी राय वाला के। ना ना बस बस आंटी, मैं नहीं ले रही थी। अच्छा भात और कढ़ी और दाल। हाँ जी सो गाइस, साथ में है पूरी और मैंने ले ली है थोड़ा कढ़ी टेस्ट करने के लिए। ये राजमा की दाल है, इसमें गाजर डाला हुआ है। चलो आ जाओ तो देखते, जो ही अच्छा होगा ना फिर लूंगी मैं। और चाहिए अक्षी को मैं खिला रही हूँ ये गोरा भात यहाँ पे, क्योंकि दाल में तो बहुत मिर्ची है। ये लो। मैं फिर से अक्षु के लिए और खाना लेके आई हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा दाल जा रही थी ना, दाल में थोड़ा मिर्ची है, कड़ी अच्छी, कड़ी में मिर्ची कम है तो बच्चे के लिए ठीक है। मतलब अक्षु क्या है ये बॉल, अक्षु को देखो भात लेके आई, भात नहीं खा रहा हूँ, मटर के दाने खा रहा है। ढंग से बैठो आप। और गाइस यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है कि बारात में जाना है कि नहीं जाना है। आंटी बोल रही जब चिट लगा रखा है तब बोलना क्या है बार बार, है ना आंटी? बोलो जब चिट लगा रखा है तब बोलना क्या है बार बार। तो भैया कह रहे हैं सबको जाना है, सबको जाना है, मतलब इनके भाई की शादी है। तो बस गाइस शाम को मिलता है आपको बारात में। ये देखो अक्षु खाना खा रहा है, अक्षु की दोस्त भी आ गई है तन्ना से। हेलो हेलो बोलो। हैं आप खाने में क्या लेके आए, इतना अच्छा खाना, पेट भर जाएगा आपका, भर जाएगा। अब वो है दिशु जो बार बार छुपती रहती है, अगर मैं अभी दिशु बोलूंगी ना तो फट से छुप जाएगी। दिशु देखो बोला था ना मैंने, फट से छुप जाएगी। सो गाइस अभी हम आए हैं चॉकलेट लेने के लिए, दिखाओ पहले। अक्षु को पता नहीं कहाँ से याद आया कि चॉकलेट खानी है। और ये देखो दिन दोपहर ने किसी की दुकान भी खोली है ना, मुझे आगे तक जाना पड़ा एक इसकी सड़ी हुई चॉकलेट लेने के लिए। चॉकलेट दिखाओ अपनी जरा, क्या खाना है। सो गाइस अभी हो गया है रेस्ट टाइम, और सब ना यहाँ पे ऐसे घोड़े बेच के सो गए हैं जैसे हमने ही शादी निपटाई होगी। बट एनीवे अभी मैं लगा रही हूँ मेहंदी, सब मेहंदी वाले दिन मेहंदी लगाते हैं, मैं बारात वाले दिन मेहंदी लगा रही हूँ। बट एनीवे मैं बारात नहीं जाऊँगी, मतलब क्योंकि अगर मैं और अक्षु जाएंगे ना, फिर अक्षु ना पापा को नहीं छोड़ता, तो मैं पापा को कह रही हूँ आप और मम्मी चले जाओ बारात, हम घर से ही देख लेंगे। फिर कल रिसेप्शन में भी जाना है, दुल्हन को तो देखना है, दुल्हन तो अब हमारे बगल में ही रहेगी, दुल्हन को तो हम कभी भी देख सकते हैं ना गाइस। वैसे भी हम कल जाएंगे तो चलो कोई बात नहीं, आज हम बारात नहीं जाएंगे, बट यस आपको बारात जरूर दिखा देंगे कैसी होती है पहाड़ी बारात जब निकलती है। फिलहाल मैं अभी लगाती हूँ मेहंदी, नेहा मेहंदी है ऑयल बेस।
सो गाइज यहाँ पे मम्मी हो गई है रेडी बारात के लिए, और ना मम्मी ने पहनी है ये कौन सी साड़ी है यार, ये ग्रीन भी नहीं लग रही, मतलब पैरेट कलर की साड़ी है अभी पहन रही है मम्मी चूड़ी। तो मम्मी ना बहुत कंफ्यूज हो गई है चूड़ी के लिए, क्योंकि मम्मी का साइज जो है ना इतना बड़ा है, मतलब 2-10 साइज है मम्मी का, जो मम्मी के लिए ना चूड़ी नहीं मिलती है। तो अभी चूड़ी मिली भी है वो ना थोड़ी सी बड़ी हो रही है, तो अभी मम्मी आगे पीछे कड़े डाल रही है, तो जिस वजह से ना चूड़ी ज्यादा आगे नहीं आएगी। और पापा यहाँ पीछे से देख रहे कि अच्छा बुआरी ऐसे ऐसे फैशन कर रही, आप क्यों नहीं हो रहे रेडी? अब पहन लिया मम्मी ने फाइनली चूड़ी, नहीं तो मम्मी ने सोचा कि मैं नहीं पहनती ये चूड़ियाँ। तो बस अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हुई, अभी साड़ी भी मम्मी ने ढंग से नहीं लगाई। और गाइस यहाँ पे देखो दूल्हे के पास इतनी ज़्यादा माला होगी कि सबने एक एक माला टांग दी, और देखो दादाजी ने भी एक माला टांगी हुई है। सो गाइस पौड़ी में ये रिवाज होता है कि जैसे जिनके खास खास होते हैं ना उन सबको यहाँ पे पैसे की, मतलब पैसों की माला डालेंगे ये। मैंने अभी एक भैया से पूछा, और अभी यहाँ पे हम आए हैं चाय पकौड़ी खाने के लिए बारात जाने से पहले। तो यहाँ पे देखो भैया मम्मी पूरी फाइनल तैयार हो गई है, और हमारी प्यारी कांची आंटी को देखो साइड बैग लेके आई है, ऐसी बात नहीं है। आज मैं स्पेशल कांची आंटी की वीडियो निकालूंगी, अभी देखो। हेलो बोलो, हेलो आंटी की चुटिया देखो, ये बेटो, ये भाभी है बेटो। अभी हम आया चाय पकौड़ी खाने के लिए, आंटी की और मेरी चुटिया बराबर है, कोई फर्क नहीं है। और ये सब बारात जा रहे हैं मुझे छोड़ के। चलो अब मैं ऐसी जस्ट रेडी हो गई थी बाहर में इनको छोड़ने के लिए, चलो अब। से निकलने लगे हैं यहाँ पे बारात, दो रोड होने का फायदा है, कुछ बारात आधी बारात ऊपर आधी बारात नीचे। और ये यहाँ पे आगे पीछे पीछे, और हमारे मेहमान अभी भी घर में ही घूम रहे हैं, वहाँ देखो ये देखो अंकल सब पे पैसों की माला डाल रहे हैं। सो गाइस फाइनली बारात चली गई है, मतलब अभी तो पैदल पैदल जाएंगे एक घंटे तक, बोले कि हम ना यहीं पर डांस करते रहेंगे, अभी तो ऊपर तक ही पहुँचे हैं। तो बस आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, और कल मिलेंगे अपनी देवरानी से। तो बस आज के लिए इतना ही, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।